हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी है शाम के टाइम, शाम का 6:45 या 5:30 का ही टाइम होगा और मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आज का ब्लॉग इवनिंग से, तो देखिए आज दोपहर में मैं नहीं सोई थी क्योंकि एक ब्लॉग मैं एडिट कर रही थी, आधा अधूरा एडिट हुआ है, पूरा नहीं। और बाबू सोया था, बाबू सो के उठा तो उसका मन नहीं भरा है सो के, वो थोड़ा सा रो रहा था ऐसे, तो मैं यहाँ पे आंगन में बैठी हूँ खटिया पे, यहाँ पे आके वो सो गया था। तो फिर अभी वो गया है उधर, देखिए मम्मी बना रही है चाय। तो मेरा बेटा तो चाय का बहुत लालची है, उसको चाय पीना है, सिर्फ बाबू को नहीं हम सबको चाय पीना है। हम सब चाय पी के फ्रेश हो जाएंगे। तो मेरा फेस देखिए बहुत ज़्यादा डल हो गया है, मैं उस दिन भी बोली थी। तो अभी मैं जाऊँगी फिलहाल स्क्रब करने, तो मैं उस दिन से आप लोग को बोली ना कि स्क्रब करूँगी। उस दिन मतलब उस दिन था थर्सडे थे, मैं सोचती रही करती रही बट हुआ नहीं है स्क्रब करना, बहुत ज़्यादा ही डल हो गया है फेस। ऊपर से आज सोई नहीं हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही ऑयली और डल जैसा लग रहा है फेस। और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा घूमने, क्योंकि देखिए शाम के टाइम थोड़ा सा घूम लेते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। घूमने मतलब जा तो नहीं सकते हैं इधर उधर कहीं पे, चाचू का घर या तो फिर बड़े अब्बू का घर या तो फिर फूफी का घर, ये तीनों घर के सिवा और कहीं नहीं जा सकते हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं, पहले तो चाय पी लेंगे फिर उसके बाद जाएंगे। और बताएं यहाँ पे ना, हमारा यहाँ पे बेकरी बहुत सारा है, तो बेकरी से एक बाखरखानी बोल के एक चीज़ लेके आती हूँ मैं, आप लोग को दिखाऊंगी, जो चाय के साथ खाया जाता है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। तो चाय के साथ आजकल मैं बहुत खा रही हूँ जब से यहाँ पे आई हूँ तब से, और जाते टाइम मैं 2-3 पैकेट लेके भी जाऊँगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हमारा यहाँ पे तो बाखरखानी बोलते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बाखरखानी ही बोल रही हूँ। चलते हैं, अभी मैं स्क्रब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कंघी उंगी भी करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये बाखरखानी है, तो ये बेकरी फूड है, पता नहीं आप लोग के वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो बाखरखानी बोलते हैं। और ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत जगह पे ढूंढी हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला है, तो ये बस हमारे गांव पे मिलते हैं। और ये जाते टाइम है ना 2-3 पैकेट लेके जाऊँगी, ऐसे ही सोची हूँ, जब भी जाती हूँ लेके भी जाती हूँ। और ये थोड़ा सा कड़ा कड़ा टाइप का रहता है, इसीलिए इसको चाय के साथ भिगो दूंगी तोड़ के, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो थोड़ा सा कुड़कुड़ा टाइप का रहता है तो वो खाने में अच्छा लगता है। ये मेरा टेस्ट है, आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं इस तरीके से खाती हूँ। तो इसको ना चाय में डालते साथ ही तुरंत सॉफ्ट हो जाता है, तो ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखना है। तो देखिए ये थोड़ा सा कुड़कुड़ा, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, तो ये खाने लायक हो गया है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी एंजॉय करती हूँ मेरा चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, आज चाचू के घर ही जाएंगे, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, जस्ट मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, अभी बिस्तर छोड़ी हूँ, तो कल मैं ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और देखिए सुबह सुबह सब सब्जी बिकने आ गया है, पाटे साग और बहुत सारा सब्जी बिकने आ जाते हैं। और अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मैं क्या बोल रही हूँ, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि देखिए लेट करके उठती हूँ, कुछ काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर मम्मी भी बोलती है कि लेट करके उठो,
तो अभी लगभग 8:30-9 ऐसे ही टाइम हो गया है मुझे लग रहा है। और गांव में मतलब सुबह सुबह इतना चहल पहल हो जाता है, मैं क्या बताऊं आप लोग को। और 2 दिन बाद सुबह बड़ा थे, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो हमारा यहाँ पे थर्सडे को है 9 बजे से ना मार्केट खुला है, मतलब सुबह से लेके 9 बजे तक सब्जी मार्केट का कुछ कुछ दुकान, सारा दुकान नहीं खुला रहता है। तो 9 बजे के अंदर ही सब चले जाते हैं मार्केट वगैरह करके लेके आते हैं, सब्जी वगैरह जो जो लेके आना होता है लेके आ जाते हैं। फिर हमारा सोय वर्क में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या होता है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत थोड़ा सा धूमधाम से ही मनाया जाता है, मतलब फातिया वगैरह होता है, नमाज भी होता है, रोज़ा भी होता है। मैं रोज़ा करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, लेकिन साथ में और क्या क्या होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को बताऊँगी, दिखाऊँगी आप लोग को। माइका वाला सो व्यवहार कभी शादी के बाद दूसरी बार मैं कर रही हूँ। और तो अभी मैं जाके चाय पीऊँगी। बाबू तो सुबह सुबह उठ जाता है, पेड़ पे पानी देना ये वो बहुत सारा, मतलब उसको यहाँ पे जानते हैं बाबू ना, सुबह सुबह वो जल्दी से सो जा रहा है शाम में ही, मतलब 8:30-9 बजे, और सुबह सुबह उठ भी रहा है। तो उठ के उसको बहुत मन लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ मेरा मायके वाला होम टूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो अभी सुबह वाला जाने दीजिए, फिर उसके बाद शेयर करूँगी, ठीक है। मेरा बहुत मन है, मैं क्या शेयर करूँगी। तो चलो देख लेते हैं बाहर पे, ये देखो काफ़ी दुख हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स मेरा कितना आँखों पे स्वेलिंग है। एक्चुअली इतना सोए रहूँगी इतना देर तक तो स्वेलिंग तो हो ही जाएगा। और अभी ठंडा गर्मी ऐसे हो रहा है और फ़ैन भी चला रहे हैं, और फ़ैन का हवा शुरू में मुझे ना उतना सूट नहीं करता है, जिस वजह से थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया है फेस पे, देखिए। तो धूप होगा तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए अभी ब्रश कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए व्लॉग कल रात में और कंटिन्यू नहीं हुआ, चाचू का घर गए थे, फिर उधर से आके बाबू ना बहुत हड़बड़ी करते हैं कि अभी मुझे खाना है, जल्दी जल्दी सो जा रहा है ना, 8:30-9:30 बजे तक वो एकदम पूरा सो जाता है, दोपहर में भी सोता है, पता नहीं क्यों, मतलब जो जहाँ रहता है ना वैसे ही हो जाता है, ऐसा ही है। तो 8:30-9:30 बजे वो खाने के लिए जिद करता है, तो बस उसको खिला के किसी तरह से सो जाते हैं। और इस साइड में आके देख रही हूँ कि घर का लगभग सारा काम हो चुका है। देखिए फूफी अभी बर्तन धो रही है, आंगन को झाड़ू लगा दी है, मतलब आंगन क्लीन हो चुका है। तो हमारा आंगन में ना 2 पेड़ है, कटहल का और एक आम का, तो जिस वजह से पूरा आंगन भर जाता है पत्ते से। तो सारा पत्ता को झाड़ू लगा के क्लीन कर दिए। और सिलबट्टा में पिसा हुआ मसाला का स्वाद मत पूछिए, जो लोग सिलबट्टा यूज़ करते होंगे उन लोग को पता होगा। और गांव देहात में ज़्यादातर सिलबट्टा का ही यूज़ किया जाता है, हम लोग के जैसा मिक्सी नहीं। और सिलबट्टा में चटनी मसाला और मिक्सी में पिसा हुआ चटनी मसाला का स्वाद में बहुत बहुत तक अंतर रहता है। तो मैं इस बार सोच रही हूँ एक सिलबट्टा लेके जाऊँगी, इतना बड़ा सा नहीं छोटा सा। तो हर बार मैं सोचती हूँ कि एक सिलबट्टा लेके जाऊँ बट भूल जाती हूँ, या तो फिर किस कारण नहीं हो पाता है। तो इस बार भी देखिए मुझे लग रहा है कि इस बार भी नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक सिलबट्टा लेके ही जाऊंगी, क्योंकि देखिए वहाँ पे सिलबट्टा नहीं मिलता है। मैं बहुत ढूंढी हूँ और ढूंढती भी हूँ लेकिन नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल है सिलबट्टा, क्योंकि देखिए गांव में बोली ना कि सिलबट्टा का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है। तो फिर देखिए उसके बाद मैं अभी आटा गूंद रही हूँ नाश्ते के लिए, तो नाश्ते में पराठा बनेगा, हलवा है, और मिठाई का शॉप बंद है, तो इसलिए मम्मी 2-3 तरह का हलवा बना के रखी है, और ऑमलेट और होगा भुजिया। तो मम्मी ने ऑमलेट भुजिया वो बना के रखी हैं, तो मैं जस्ट आटा को गूंदूँगी और पराठा बनाऊँ,
क्योंकि देखिए कुछ काम भी नहीं है तो बैठे बैठे में टाइम पास भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं मम्मी को बोली थोड़ी मोड़ी काम मुझे भी करने दीजिए ताकि आपका थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए और मेरा भी टाइम पास हो जाए। ऐसे तो हेल्प करने के लिए फूफी है, फूफी आधा से काम कर देती हैं तो मम्मी को बहुत हेल्प हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं ये पेंट करती हूँ, होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। तो फिर मिलती हूँ मेरा कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।